आपको यूट्यूब चैनल फिर नॉलेज पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फिन का ये जो मतलब बोल सकते कि शेयर है जहां पे अभी थोड़ा बहुत शेयर तेजी बना रहा है। देखिए कंपनी अभी यहाँ पे बोल सकते कि बहुत ही बढ़िया जो यहाँ पे बिजनेस को लेके, इसके बिजनेस सेगमेंट को लेके काम कर रहा है। कंपनी के शेयर में उतना ज्यादा तेजी नहीं बन रहा है। शेयर जो है कुछ दिन पहले मतलब जिसके एक हाई प्राइस बनाया था जो कि लगभग 390 या 94 रुपीज का था, उससे देखते तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। एक दिन में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर ने लगभग 0.09% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का देखेंगे तो बहुत सारे जैसे कि कंपनी में अपडेट्स आया है, सेबी से कंपनी को अप्रूवल मिला है, इसने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने म्यूचुअल फंड्स बिजनेस में भी जैसे कि एंट्री कर रहा है। तो मार्केट में बहुत सारे जो है हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंपटीशन देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में। तो शेयर का प्राइस अभी उतना ज्यादा तेजी नहीं बना रहा है। दिग्गजों का मानना है कि ये शेयर जो है अगर होल्ड करता है तो आगे चल के ये कंपनी का बिजनेस में जबरदस्त तेजी बनेगा, क्योंकि बिजनेस का सेगमेंट जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है फंडामेंटली देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखेंगे तो कंपनी का शेयर भी आगे चल के तेजी बना सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में, क्या ये शेयर यहाँ से और ज्यादा तेजी बनाएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए क्या मतलब चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में टेक्निकली, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, केपीवी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। करते हैं स्टॉक की बात। देखिए टेक्निकली बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर है, ये बोल सकते कि मिडली जो है एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। मतलब एक टेक्निकली देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बुलिश है शेयर, और जैसे कि पहले शेयर का प्राइस जो है बहुत ज्यादा शेयर का प्राइस डाउन हुआ था और लगभग 340 रुपीज के नीचे शेयर पहुंचा था, वहां से शेयर अभी एक जो है पैटर्न क्रॉस किया और अभी लगभग 341.70 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, जो कि बोल सकते कि फिलहाल जो है यहाँ से थोड़ा बहुत और तेजी बना सकता है। कंपनी में ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जो इस कंपनी के शेयर का प्राइस में थोड़ा इंपैक्ट कर रहा है। अभी आप देखेंगे तो मतलब आरएसआई इंडिकेटर जो है, आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। वही दोस्तों बात करते हैं फिलहाल जो है टेक्निकली ये शेयर जो है थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर थोड़ा बहुत तेजी बना सकता है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर का मूविंग एवरेज देखते हैं तो जहां पे आप देख सकते हैं कि जो 50 डे का मूविंग एवरेज है, 200 डे का मूविंग एवरेज है, उससे तो शेयर थोड़ा यहाँ पे तेजी बनाया। 50 डे का जो मूविंग एवरेज है 330.19 पैसा, जहां पे शेयर कुछ दिन पहले प्राइस में पहुंच गया था 339 या फिर इसके भी नीचे थोड़ा ट्रेड किया था, और 200 डे का जो मूविंग एवरेज है 327.34 पैसा, उससे ये शेयर एक अच्छा खासा जो है तेजी बनाया है। अभी शेयर का प्राइस 341.90 पैसे के आसपास चल रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि टेक्निकली जो अभी शेयर थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बना हुआ देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस का। तो फिलहाल यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या ऐसा अपडेट्स आया है जियो फाइनेंशियल सर्विस में जिसके चलते जो है शेयर थोड़ा बहुत तेजी बना रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो शेयर जो है क्या यहाँ से और ज्यादा तेजी बना सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर का प्राइस कितना ज्यादा तेजी बनाएगा शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका Q2 25 का फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन कंपनी शेयर करने वाला है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट कर सकता है शेयर में। क्योंकि शेयर मतलब कंपनी के अगर देखते हैं तो इतने सारे अपडेट्स आया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जिसके चलते शेयर का प्राइस जो है बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा एक तेजी नहीं बनाया जितने सारे अपडेट्स आए हैं शेयर में, और मतलब माफ कीजिए कंपनी में। अभी देखिए Q1 25 में जियो फाइनेंशियल सर्विस का क्या अपडेट्स है, जहां पे Q1 25 में कंपनी का जो फैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है जो कि 312.63 करोड़ का हुआ था, 22.1% डाउन था दोस्तों इसका पैट Q1 25 में। एंड पीबीटी जो है जो कि आप देख सकते हैं 439 करोड़ का हुआ था, देखते हैं तो 18.1% वो डाउन हुआ था Q1 25 में पीबीटी। नेट सेल्स की बात करते हैं कंपनी का, नेट सेल्स जो है कंपनी का 417.82 करोड़ हुआ था, 9.8% कंपनी का नेट सेल्स डाउन हुआ था। तो Q1 25 में कंपनी का पैट डाउन हुआ है, कंपनी का पीबीटी डाउन हुआ है, कंपनी का जो नेट सेल्स है जियो फाइनेंशियल सर्विस का वो भी डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ खास कंपनी में तेजी वगैरह फिलहाल बोल सकते कि जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है अभी जो यहाँ पे अपडेट्स है। एक दिन में बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर, फिलहाल जो है ये डाउन चल रहा है, जहां पे शेयर जो एक दिन में लगभग 0.01% के आसपास जो है डाउन हुआ है। बात करते हैं दोस्तों एक हफ्ते में 0.93% के आसपास शेयर ने रिटर्न दिया है, और वन मंथ में शेयर में कुछ खास तेजी वगैरह नहीं बना है। देखिए इसका जो एक हाई प्राइस इसने बनाया था 394 रुपीज का, उससे अगर देखते हैं तो शेयर का प्राइस जो है बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक बोर्ड मीटिंग हुआ है 18th
जो है यहाँ पे 18 अक्टूबर को जो है एक बोर्ड मीटिंग होगा, जहां पे कंपनी इसका जो इंटर अलियर एंड बोलते कि जो इसका जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर करेगा क्वार्टरली, जो Q2 25 का है एंड हाफ ईयर एंडेड सितंबर। तो अभी कंपनी का यहाँ पे जो Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, उसके पहले ही देख सकते हैं कि कंपनी में जो है बहुत सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर, जहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंट्री कर रहा है, सेबी से कंपनी को अप्रूवल मिला है म्यूचुअल फंड में एंट्री करने के लिए। म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है इंडिया में जो कि अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड का मार्केट में एंट्री, एंड अगर देखेंगे तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे लोग अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी अभी यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नया एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इतने सारे अपडेट है, फिर भी अगर बोलेंगे जो शेयर में जो उतना ज्यादा फिलहाल हम लोग को एक इम्पैक्ट बनता हुआ नहीं देखने को मिला है। कंपनी का अभी यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जहाँ पे सेबी जो है इसको अप्रूव किया था, जो इसका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था। और बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में जो यहाँ पे एक वेल्थ मैनेजमेंट का कंपनी शुरू कर रहा है, इसमें और भी अगर कुछ अप्रूवल चाहिए तो वो भी जो है आगे चल के यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, जो कंपनी के बोलते के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आगे फॉलो करेगा। तो अभी यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक गेम चेंजर प्लान हो सकता है जो कि इसका म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो भी फाइनेंशियल अभी बोलते कि प्रोडक्ट लॉन्च किया, देखिए पहले बहुत सारे प्रोडक्ट जो कंपनी एक टेस्टिंग पर्पज में लॉन्च किया था, इसका अगर देखेंगे तो लोन में इसका बिजनेस शुरू किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो छोटे छोटे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसमें कंपनी ने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया है, लेकिन उसका एक ज्यादा इम्पेक्ट बोल सकते कि शेयर में नहीं पड़ा है। जैसे ही शेयर मतलब एक तेजी बनाया था वहां से देखती है तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, और 340 से लेकर 350 के बीच में जो है इसने एक ट्रेड बनाया मतलब रेंज बना के रखा, उसी रेंज में जो है ये शेयर फिलहाल अभी चल रहा है। अभी देखिए कंपनी में जो है बहुत सारे शेयर कुछ दिन पहले यहाँ पे एक्वायर किया गया था, यहाँ पे देख सकते एक्सचेंज रिसीव द डिस्क्लोजर अंडर जो रेगुलेशन है ऑफ सेबी, जहाँ पे एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स Regulations 2011 जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के ओर से बहुत सारे शेयर्स जो है कुछ दिन पहले यहाँ पे एक्वायर किया गया था जियो फाइनेंशियल सर्विस का, जो इन लोगों का इंटरनल कुछ टर्म्स था। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो यहाँ पे इतने सारे अपडेट्स आया है फिर भी मार्केट में उतना ज्यादा शेयर में जो है तेजी नहीं बना, वॉलेटिलिटी बोल सकते कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में बहुत ही जबरदस्त हम लोग को देखने को मिला है कुछ दिन में। कंपनी का एनुअली कैश फ्लो की बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्लो जो है मार्च 23 में 2054.90 करोड़ से डाउन होके मार्च 24 में 677.57 करोड़ हुआ है। तो इसका जो बिजनेस है उससे कैश फ्लो भी देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे अपडेट देखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन फिलहाल यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस कंपनी के शेयर में कोई होल्ड करता है तभी जाके ये शेयर में जो है तेजी बन सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें नहीं लगता है कि दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस रखना चाहिए। इसके Q2 25 में अगर कंपनी का बिजनेस यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट करता है तभी जाके ये शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बन सकता है, वो भी अगर देखेंगे तो लगभग 350-50 के बीच में शायद शेयर रह सकता है। अभी यहाँ पे इसका जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग को लेकर बात करते हैं तो जहाँ पे मेजर शेयर होल्डर जो है मेजर शेयर होल्डर्स यहाँ पे प्रोमोटर्स है, एंड बात करते हैं प्रोमोटर्स के जो स्टेक्स है कुछ यहाँ पे प्लेस्ड स्टेक्स नहीं है फिलहाल प्रोमोटर्स के। एंड म्यूचुअल फंड्स का देखती है तो 34 स्कीम्स जो है म्यूचुअल फंड्स के जियो फाइनेंशियल सर्विस में है जो कि 4.04% के आसपास का स्टेक है। FIIs की बात करते हैं दोस्तों FIIs जो यहाँ पे देखते हैं 804 FIIs का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है जो कि 17.55% का जो है बोल सकते यहाँ पे जो है स्टेक है FIIs का। प्रोमोटर विथ हाइस्ट होल्डिंग जो है श्री चक्रा करके श्री चक्रा कमर्शियल LLP करके जो है उसका देखते हैं तो 11.64% का स्टेक है। तो प्रोमोटर्स में देखेंगे तो इसका जो है एक बहुत ज्यादा स्टेक है जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं LIC ने जो है जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है दोस्तों, जहाँ पे 6.65% के आसपास का जो स्टेक है वो यहाँ पे LIC के पास है। एंड इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लगभग 19.01% के पास है। आपको कैसा लगता है उसे जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।